दोस्तों, ये बजाज का इंडक्शन कुकटॉप है और इसमें जो है ऑन ऑफ का जो प्रॉब्लम है इसमें भी हो रहा था। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी समय जो है लगाने के बाद जो है मैं ये प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर पाया हूँ। और जो भी मेरा इंडक्शन का ऑन ऑफ का या तो टच का जो भी वीडियो रहता है उसमें जो है आप लोग को जो है बार बार जो है डिटेल्स में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, डेली जो है मैं ये सब चीज़ जो है करने के बावजूद भी मुझे जो है प्रॉब्लम को जो है पकड़ने में मुझे थोड़ा समय लगा। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि ये ऑन नहीं हो रहा था, बाकी इसमें जो एलईडी वगैरह है सभी जो है ग्लो कर रहा था सप्लाई देने पर, और डिस्प्ले भी जो है आ रहा था यहाँ पे। तो हम क्या किया, पहले इसका जो मेन जो ऑन ऑफ का जो स्विच है सिर्फ इसको मैंने जो है चेंज करके देखा, और जो है पीछे जो है इसको शॉर्ट करके भी ऑन करने की कोशिश किया, लेकिन इंडक्शन जो है ऑन नहीं हो पा रहा था। तो जैसे कि मैं बताता हूँ बार बार, स्विच को भी जो है निकाल करके एक बार शॉर्ट करके आपको देख लेना है। तो स्विच को भी मैंने निकाल करके जो है शॉर्ट किया, फिर भी जो है ऑन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ये देखिए जितना भी कंपोनेंट्स वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है एसएमडी का, तो सभी को मैंने बारी बारी से चेक किया, कोई फॉल्ट मुझे नहीं मिला। तो और उसके बाद जो यहाँ पे तीन और स्विच लगा हुआ है, ये तीनों स्विच को भी मैंने जो है एक एक करके निकाल करके दूसरे लगा करके भी चेक किया, फिर भी मेरा इंडक्शन जो है ऑन नहीं हो रहा था। और जो है पिछली बार भी एक वीडियो में मैंने बताया, देखिए ये पुराना स्विच है, तो ये देखिए पिछली वीडियो में मैंने बताया था एलईडीज़ को भी एक बार चेक कर लेना, एलईडीज़ का भी शॉर्ट होने की वजह से भी जो है इस तरह से जो है ऑन नहीं हो पाता है। तो बाकी एलईडीज़ भी सभी चाहिए था, तो मैंने क्या किया, पूरा का पूरा स्विच को ही चारों स्विच को एक ही बार में जो है चेंज कर दिया मैंने। चेंज करने के बाद देखा तो जो है इंडक्शन जो है चलने लगा है। तो जो स्विच मैंने यहाँ से चारों स्विच जो कि मैंने निकाला था, तो उन स्विचों को मैंने जो है बोर्ड में जो है लगते हुए भी मैंने चेक किया था, लेकिन उसमें जो है मुझे सही बता रहा था। तो बाद में जब निकाल करके जो है जो भी स्विचेस यहाँ से निकाला सभी को मैंने चेक किया, तो ये लास्ट कॉर्नर का जो स्विच है ये मुझे जो है शॉर्ट मिला, जिसके कारण जो है इंडक्शन जो है मैं ऑन ऑफ का स्विच को बार बार ऑन चेंज करने के बाद भी जो है इंडक्शन जो है ऑन नहीं हो पा रहा। तो बाद में जो चारों स्विच को बदलने के बाद जो है इंडक्शन जो है ऑन हो गया। देखिए तो इसके बाद जो है मैं ये वीडियो जो है थोड़ा सा आप लोग के साथ भी जो है शेयर करने छे, जो है थोड़ा इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ भी आपको आप लोगों को भी जो है मिल जाएगा, ये सोच करके मैंने ये वीडियो को बना रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, इंडक्शन को मैं ऑन कर चुका हूँ, अभी फ़िलहाल इसको चालू करके भी देखेंगे टेस्ट करके। तो देखिए, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ जो है ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो कोई भी चीज़ को आप अगर 100% जो है आप कॉन्फिडेंट रखेंगे उसको हम जो है ठीक करके ही जो है छोड़ेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा आप जो है ध्यान लगा करके काम करेंगे तो जो है प्रॉब्लम जो है जो भी हो सॉल्व हो जाता है। तो शुरू में मैं भी सोचा था कि चलो ये ठीक नहीं हो पाएगा, तो कहीं आईसी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो इस तरह से मैंने भी सोचा था। फिर बाद में देखा, चलिए थोड़ा सा क्योंकि इस तरह का जो टच का ऑन ऑफ का जो प्रॉब्लम है इंडक्शन में ज़्यादातर 80% जो है यही प्रॉब्लम रहता है, ऑन नहीं हो पा रहा है या तो लाइट्स यहाँ पे आ रहा है फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। तो सोचा चलो देखते हैं, कुछ नया सीखेंगे। तो थोड़ा सा मेहनत किया मैंने भी और जो है इसको बारी बारी से जब देखा तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। तो देखिए, मैं इसको अभी फिटिंग कर रहा हूँ, फिटिंग करके जो है एक बार चला करके देखेंगे, कोई भी चीज़ जो है अगर रिपेयर हो जाता है उसको एक बार चला करके देख लेना है। ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम था उसको जो है आपने रिपेयर कर दिया और जो है चीज़ को जो है आप छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। एक बार डिटेल्स में उसको चला करके भी देख लेना है। दोस्तों, कुछ भी अगर आप लोग को जो है समझ में नहीं आता है
और कुछ भी डाउट होता है आप जो है कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। तो आप लोग का जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरा तरफ से जितना भी मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं हेल्प करेंगे। और दोस्तों कमेंट जब कीजिएगा आप अगर हिंदी हिंदी का हिंदी भाषा अगर उपयोग करेंगे तभी आप जो है अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश में ही जो है यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है। तो आप इंग्लिश में अगर लिख करके कमेंट करोगे तो मैं जो हूँ उसको जो है आसानी से पढ़ करके जवाब दे सकता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेस्ट करने के लिए मेरा जो प्लेट है इसमें इसको रख दिया हूँ, थोड़ा सा पानी भी यहाँ पे रख दिया हूँ। तो अभी इंडक्शन को ऑन कर दिया हूँ मैं। देखिए तो यो पानी जो है देखिए गर्म होने लगा है। कौड़ी नहीं तो इस तरह से कोई भी चीज़ आप रिपेयर करेंगे उसको एक बार जो है ज़रूर चला करके देख लेना है, सिर्फ इंडक्शन का ये बात नहीं है जो भी चीज़ है। तो इससे क्या हो जाता है आपको अगर कहीं और फॉल्ट होगा तब भी जो है आपको पता चल जाएगा। और कई बार क्या होता है एक बार आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो फिर उसका अंदर जो है एक और प्रॉब्लम रहता है, और कस्टमर तो जो है चीज़ को हम लोग 1-2 सेकंड के लिए चेक करते हैं उसको और कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं, उसके बाद लेके चले जाता है, फिर दूसरा दिन जो है वापस लेके आ जाता है, कहता है कि नहीं ऐसा ऐसा हो रहा है इसमें। तो देखिए दोस्तों ये जो पुराना कीपैड है यहाँ पे ये भी बजाज का ही है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो है SMD कंपोनेंट्स नहीं है लेकिन सेम इंडक्शन का ही कीपैड है ये। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया आप पहले ऑन ऑफ स्विच को जो है निकाल करके शॉर्ट करके देख लीजिए, ऑन नहीं हो रहा है निकाल करके शॉर्ट करके देख लीजिए, उसके बाद भी नहीं हो रहा है LEDs को एक बार चेक कर लीजिए, पूरा LEDs आपका सही है, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है आप स्विच को जो है ऑन बोर्ड में चेक करेंगे तो कभी कभी फॉल्ट होने के बाद भी सही बताता है। तो